ओके अभिषेक, लेट्स प्रोसीड अहेड विद योर एचआर फॉर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, राइट? यस सर। कैन वी स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट? या थैंक यू सर। फॉर माई सेल्फ अभिषेक कुमार तिवारी, आई एम फ्रॉम बलिया उत्तर प्रदेश। आई डिड माई बीई फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच अप 2016 बैच फ्रॉम कॉलेज सर एम विश्वेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। माई एग्रीगेट वॉज 65.85%। आफ्टर दैट आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट इन 2018। स्टार्ट माई जॉब एज ए असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट इन झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इट्स ए स्टेट डिस्कॉम। आफ्टर कंप्लीटिंग माई 3 ईयर जॉब आई स्विच माई कंपनी। आई स्टार्ट वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर इन श्रीनिवासा इंफ्रा। आई वर्क देयर एज फॉर 2 ईयर। आफ्टर देन आई राइट नाउ नॉट डूइंग एनीथिंग सर। आपने कितनी जॉब्स किया? सर 2 जॉब सर टोटली। पहली जॉब किसमें थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में? स्टेट डिस्कॉम थे सर, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, स्टेट डिस्कॉम सर। सो दैट वाज अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब, यस, नॉट गवर्नमेंट, इट वॉज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सर। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और उसके बाद आपने प्राइवेट में काम किया। यस सर। सो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? वो सर एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे, वहीं पर वो लोग काम करते थे, तो उनके में अच्छी सैलरी मिली, तो उसके बाद यहाँ कंप्लीट होने के बाद मैंने उधर से आया सर। तो आपने पहला जॉब जो था वो कितने साल किया, 3 ईयर सर। एंड सेकेंड? 2 ईयर सर। 2 ईयर सो अभिषेक, टेल अस अबाउट योर फर्स्ट जॉब विच यू डिड फॉर 3 इयर्स, उसमें क्या करते थे आप, टेल अस अबाउट माई दैट। वर्क प्रोफाइल वर्क एज ए असिस्टेंट इन प्रोजेक्ट सर। वट एवर द प्रोजेक्ट वॉज गोइंग दैट वॉज अंडर मी सर। लाइक आई वॉज पोस्टेड अंडर पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट सर। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में सर सो टोटली 7 प्रोजेक्ट उसमें चल रहे थे सर। 12 प्लान, लाइक 12 प्लान, DDU-GGY, सौभाग्या, IPDS, जसवे फेज 1, जसवे फेज 2 एंड तिलका मांझी। दे ऑल आवर प्रोजेक्ट आर गोइंग ऑन, और वो उन्हीं को देखना था, उन्हीं को करना था, और सॉरी देखना था डिस्ट्रिक्ट सर। ओके, और उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? सर एलॉय बनाना, जाके साइट पे उन लोग को वर्क चेक करना, लाइक वर्क पे टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा सर, मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना। जैसे कि कुछ सेंट्रल बेस्ड प्रोजेक्ट थे सर, कुछ स्टेट बेस्ड प्रोजेक्ट थे। तो लाइक जैसे सर एग्जांपल ऑफ सौभाग्य सर, सौभाग्य 2017 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, उनको 2018 तक क्लोज करना था। इसमें हर सारे हाउस होल्ड को इलेक्ट्रीफाइड करना था सर। तो इसमें टाइम टू टाइम रिव्यू करना कि आज कितने हाउस होल्ड हमारे पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रीफाइड हुए सर, कल का वो कितना कि कितना इसको इलेक्ट्रीफाइड करना सर, सारे को कनेक्शन प्रॉपरली मिल रहे हैं एंड इस कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट सर। सो सर किसी से कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, चाहे प्रॉपर इलेक्ट्रिकल मैनर में हो रहा है सर, दैट इज ओनली वर्क सर। ओके, एंड सेकंड जॉब में व्हाट वाज योर प्रोफाइल? सेकेंड जॉब सर, लाइक दे वो जो कौन एजेंसी थी सर, वो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में ही जो हमारे स्टेट के जो प्रोजेक्ट होते थे वो डायरेक्टली JVNL भी कुछ प्रोजेक्ट अलॉट करते हैं, जैसे कि कहीं कहीं काम के लिए, तो वो प्रोजेक्ट वो हैंडल करते थे। तो उसमें जैसे कि हमने 33 kV लाइन बनाई थी सर, एक पावर हाउस वाटर प्लांट के लिए डिजाइन कर किया था, और बहुत सारे कनेक्शन सर जसवे में दिए थे सर हमने उनके थ्रू सर। ओके, एंड व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी, सेकंड कंपनी? सेकेंड कंपनी इज ऑल्सो द सेम वर्क सर, लाइक लॉट्स ऑफ इंजीनियर आर वर्किंग अंडर मी। लाइक उसमें क्या था सर, फर्स्ट जॉब में था कि सर आई एम द क्लाइंट एंड दे आर लॉट्स ऑफ एजेंसी वर्किंग अंडर मी। और इसमें क्या था कि सर क्लाइंट JVNL ही था, बट मैं JVNL के जैसा JVNL में नहीं था सर, तो मैं उनको रिप्लाई देता था कि हाँ ये काम है, हम इतने दिनों में कर लेंगे, इतने दिनों में ऐसा हो रहा है, ये वर्क प्रोग्रेस है हमारा सर, ये JVNL को हमको देना रहता था कल सर। ओके, सो अभिषेक, आपने जॉब छोड़ा क्यों? व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब? सॉरी व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब? सॉरी आई एम नॉट ऑडिबल सर, प्लीज वन सेकेंड आपने जॉब छोड़ी क्यों? सर। फर्स्ट वॉज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सर, सेकेंड वॉज बिकॉज ऑफ माई फैमिली सर, सो दैट्स व्हाई आई क्विट माई जॉब सर। तो फैमिली की वजह से जॉब छोड़ दी, तो अब आगे जॉब कैसे करोगे? नो सर, नॉट एक्चुअली सर, प्रॉब्लम वॉज दैट कि लाइक एक तो फैमिली इशू सर कुछ आ गया सर, और सेकेंड सर लाइक व्हेन आई वाज डूइंग सेकेंड जॉब ना, दैट्स टाइम आई रिकॉग्नाइज, मतलब आई रियलाइज दैट कि लाइक मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर ही टाइप का कुछ काम करना है, जिसमें कि मतलब गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट हो, चाहे गवर्नमेंट से कोई सेक्टर हो, तो इसलिए मैंने सर स्विच करने का सर सोचा था। अभी उसके बाद कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला सर, उसके बाद ये डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन NTPC ग्रीन एनर्जी निगम लिमिटेड का मिला सर। सो एनटीपीसी एनर्जी लिमिटेड, आपने आप क्या डोमेन में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? यू मस्ट हैव सीन अवर वर्क एंड ऑल, कहाँ लाइक पे सर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप? ये जो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये भी सर प्रोजेक्ट बेसिस से काम करती है सर। लाइक इनका है कि मेनली कि जो कि हमारा 2030 तक हमको इंडिया को सर 50-60 GHz केवल रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी मिले सर। तो इसमें क्या है कि सर ये भी वर्क बेसिस प्रोजेक्ट बेसिस पे, तो इसमें क्या है सर कि जिससे कि जो भी प्रोजेक्ट चलेगा सर,
और सर वो भी एक तो पहला सर प्रोजेक्ट चलेगा सर, दूसरा कि मेरे को एक्सपीरियंस है कि सर प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करते हैं सर, कि जो ओवर भी प्रोजेक्ट इज इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए किया जाएगा सर, तो वो प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करते हैं सर, है इसमें सर मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसलिए सर। अच्छा, ये रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में क्या डिफरेंस समझते हैं आप? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया? या यूपी से सर, बलिया से सर। तो कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बताइए, सोलर विंड प्रोजेक्ट्स जो उत्तर प्रदेश में हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के। लाइक अभी तो सर ऐसा कुछ रिसर्च नहीं किया था सर। ओके, अभिषेक, क्यों लगता है आपको कि आप सूटेबल हैं इस जॉब के लिए? सर बिकॉज लाइक टेक्निकल नॉलेज एंड सर प्रोजेक्ट के जो हैंडलिंग नॉलेज है सर इसके लिए सर। ओके, आपने कभी सोलर एंड विंड के ऊपर काम किया है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर? यस सर, जब मैं वहां पे प्रोजेक्ट कर रहा था जो कि 12 प्लांट DDU, तो उसमें भी सर हमारे एक छोटे से पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट में एक छोटा सा कॉस्ट रहता था, जिसमें क्या रहता था कि जो हमारी पावर हाउस की जो बिजली होती है, एक्चुअली जो हम लोग पावर हाउस बनाते हैं तो उसमें 100 KVA का ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो उसमें जैसे कि हम लोगों ने पूरे मीटिंग में मतलब हमारे हायर अथॉरिटी ने डिसाइड किया था कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी हम शायद सोलर एनर्जी से सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए जो हमारा जो पावर हाउस की जो रूफ होती है उस पर हमने सोलर प्लांट लगाया था सर, और उससे हम अपनी पावर हाउस को बिजली सप्लाई करते थे सर, लाइक स्ट्रीट लाइट एंड पैनल लाइट और जो भी बाहर का इन्वर्टर वो लाइट रहता है वो हम लोग सप्लाई करते थे सर। ओके, अभिषेक, लेट मी गिव द फीडबैक। यस सर, अभिषेक, दो तीन फैक्टर हैं जहां पे आपको इम्प्रूव करना है। यस सर, एक तो ओके अपना इंट्रोडक्शन का स्क्रिप्ट लिखो, आपके अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है कि सर, सर माय नेम इज दिस, आई बिलोंग टू दिस पार्ट ऑफ इंडिया, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया। माई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज दिस, एंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आई वर्क इन दिस डोमेन, दिस प्रोफाइल। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन मेरी ये थी जिसमें मैंने इसमें काम किया, एंड प्रेजेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जाम्स। फिर अगला क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आपने दोनों ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम किया और क्या क्या प्रोफाइल था आपका, क्या था वो आप डिटेल में कॉपी पे लिखोगे। ओके लिखोगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें। तो आप श्योर सर, लिखोगे कि आपने इस फील्ड में ये काम किया है, श्योर सर, और जैसे उसके बाद आप दोनों में कि आपने क्या काम किया, कंट्रीब्यूशन क्या था, और ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सर, अब देखो, ये जो एनटीपीसी का ग्रीन एनर्जी वाला है ना डोमेन, ये इसमें आपको इसका वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, जैसे अभी मैंने आपको शेयर किया है स्क्रीन, कैन यू सी दैट? यस सर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स में सोलर पे जाओगे तो आपको सोलर प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। सोलर प्रोजेक्ट्स में तुम देख रहे हो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 14 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। यस सर, उसी के साथ आप और नीचे जाओगे तो आपको उत्तर प्रदेश में और प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, विंड के भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आपको। और देखो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बिल्हौर में है 225 मेगावाट का, राइट? तो यस ऐसे सर, आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे जो उत्तर प्रदेश में हैं। सिमिलरली आपके विंड प्रोजेक्ट्स भी होंगे आपके यस सर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और वैसे ही जब आप विंड प्रोजेक्ट्स देखोगे वो भी आएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है, अपलोड किया है उस वीडियो को, उसको ध्यान से सुनो यस सर, तो आपको लगेगा किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। तो एक तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का थोड़ा सा नॉलेज, उसी यस सर, तरीके से एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी अलग से उसका सब्सिडियरी है, ओके सर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी विंड एनर्जी, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी, ये दोनों अलग यस अलग जॉइंट वेंचर वो हैं आपके सब्सिडियरीज। सर, तो इनको इनको देखो, इनके ऊपर क्या क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपनी जॉब के बारे में और वेबसाइट के बारे में। लिख लिख के तैयारी करो, लिख लिख के इंटरव्यू की तैयारी करो। लिखोगे नहीं तब आपका इंटरव्यू का अच्छा पकड़ नहीं आएगी तुम्हारी। फिर तो मैं भाई पूछूंगा आपने जॉब में क्या किया, तो आपको पता नहीं लगेगा जॉब में आपने क्या किया, राइट? यस सर, तो इसकी अच्छी तैयारी करो एंड गुड बाय।